हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा। हर रोज की तरह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। आज मैं आपको टॉल्स्टॉय की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिन्होंने कहानी लिखकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि भगवान जी जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। कैसे, आइए आपको सुनाते हैं। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा, जहाँ एक महिला मर गई थी उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि मरी हुई महिला की तीन छोटी छोटी लड़कियां थी। एक तो इतनी छोटी थी कि अपनी माँ के शरीर से लिपटी हुई थी, और दो लड़कियां चीख पुकार कर रही थी। तीन छोटी जुड़वा बच्चियां और महिला मर गई। कोई देखने वाला नहीं है, पति पहले मर चुका है, परिवार में कोई भी नहीं है जो उनका देखभाल करे। इन तीन छोटी बच्चियों का क्या होगा, ये सोचकर देवदूत को दया आ गई और वो खाली हाथ वापस आ गया। उसने जाकर यमराज से कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। तीन जुड़वा बच्चियां हैं छोटी छोटी, उन लोगों का माँ के अलावा कोई नहीं था, और अब तो वो भी नहीं रही, तो उन लोगों को कौन देखेगा। क्या ये नहीं हो सकता कि इस महिला को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए, कम से कम उनकी लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तुम समझदार हो गए हो, उससे भी ज्यादा समझदार, जिसकी मर्जी से मौत होती है और जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तुमने पहला पाप किया है और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। सजा यह है कि अब तुम्हें पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, और जब तक तुम तीन बार अपनी मूर्खता पर हंस नहीं लोगे, तब तक वापस नहीं आ पाओगे। देवदूत दंड के लिए भी राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वो तो सही है, और हंसने का मौका कैसे आएगा। अब सजा के मुताबिक देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया, जहां उसे सबसे पहले एक चमार मिला, जो सर्दियों के दिन को देखते हुए बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। वो जब शहर जा रहा था तो राह के किनारे एक बगैर कपड़े के आदमी को देखा, जो ठंड से ठिठुर रहा था। वो आदमी वही देवदूत था जिसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई, और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी के पास कुछ खाने पीने को भी नहीं था, घर भी नहीं था, तो चमार ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही चलो, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो जाए, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार अपने घर लौटा। ना तो चमार को पता था कि देवदूत घर में आ रहा है, और ना पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर पर पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। चमार ने उससे कहा, हंसते क्यों हो भाई, बात क्या है। उसने कहा, मैं जब तीन बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। पहली बार देवदूत इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी को पता ही नहीं है कि चमार देवदूत को लेकर घर आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देखे कितनी दूर तक सकता है, पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया वो तो देख पा रही थी, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं था। फिर देवदूत ने चमार के साथ रहकर उसका काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते पूरे शहर में फेमस हो गया। उस जैसा जूता बनाने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि वो जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते भी वहीं पर बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक मत करना, जूते चाहिए उसे ठीक से बनाना और ध्यान से रखना, जूते बनाने हैं स्लीपर मत बना देना, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको स्लीपर पहनाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। चमार ने भी देवदूत को कहा कि देखो, स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वो गुस्सा हो गया। चमार लकड़ी उठाकर देवदूत को मारने के लिए चला गया, और उसने कहा, तुम हमें फांसी दिलवाओगे क्या, तुम्हें बार बार कहा था स्लीपर नहीं बनाने हैं, जूते बनाने हैं, फिर तुमने स्लीपर क्यों बनाए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी एक आदमी सम्राट के घर से दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना है, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। तब वो चमार उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वो एक बार फिर दोबारा हंसा। चमार ने फिर पूछा कि हंसी का कारण क्या है। उसने कहा, जब मैं तीन बार हंस लूंगा तब ही बताऊंगा। उसके बाद देवदूत ने मन ही मन सोचा कि भविष्य का हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है।
चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। तभी देवदूत को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। उसे तो पता ही नहीं था कि उन तीन बच्चियों का भविष्य क्या है, फिर वो क्यों परेशान हो रहा था। और तीसरी घटना घटी ऐसी कि एक दिन तीन लड़कियां आईं जो काफी बड़ी हो चुकी थीं और उन तीनों की शादी हो रही थी, और उन तीनों ने जूते के ऑर्डर दिए थे जिसके लिए जूते बनाए जाने थे। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये तो वही तीन लड़कियां हैं जिनको वो मृत माँ के पास छोड़कर आया था, जिनकी वजह से वो आज दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ है, ये बूढ़ी औरत कौन है। तब बूढ़ी औरत ने ही बताया कि इन तीनों की माँ मर गई थी और ये सब उसके शरीर से लिपट कर रो रही थी। मुझे दया आ गई, मेरे भी कोई बच्चे नहीं थे और मैंने इन तीन बच्चियों को पाल लिया। अब देखिए, अगर बच्चियों की माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई इसलिए ये बच्चियाँ तीनों बहुत बड़े घर में पली बड़ी, और अब उस बूढ़ी की सारी संपत्ति इन तीनों की होगी और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा था। देवदूत तीसरी बार हंसा और चमार को उसने कहा कि ये तीन कारण है, भूल मेरी ही थी। नियति बड़ी है, जो भी करती है अच्छे के लिए करती है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना है कि जब आपके जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आएं और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े तो बस यही सोचेगा कि ये नियति का खेल है, भगवान जी चाहते हैं ऐसा आपके साथ हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपको अच्छा जरूर मिलने वाला है। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेज़।